अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको पता ही है कि ईद आने वाली है, तो ईद के हवाले से कुछ इस तरह की AI इमेज आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रही हैं और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की ट्रेंडिंग इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और फुल HD। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है बीइंग, कुछ इस तरह आपका इंटरफेस जो होगा इसको कर लेना है अपने इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपल इसे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट बीइंग अकाउंट की ID लॉगिन करनी है और वो ID आपने बनानी कैसे है उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। तो ID लॉगिन करने के बाद आपने सिंपल इमेज क्रिएटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इमेज क्रिएटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, यहाँ पे आपने लिखना होता है प्रॉम्प्ट, यानी कि टेक्स्ट लिखना होता है। तो जैसा आप टेक्स्ट लिखेंगे वैसे ही ये इमेज जनरेट होगी। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ और आप इसे सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, और ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो ये वाला प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपकी ये वाली इमेज जनरेट हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में और फुल HD। आप इसे ईजिली फुल HD में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये वाला प्रॉम्प्ट लाजमी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ ठीक होना चाहिए। ये देखें गाइस, कितनी प्यारी और कमाल की उसने ये इमेज जनरेट करके दी है। ये देखें कितनी कमाल की है, ये चेक करें, ये देखें। तो अगर आप भी कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं, जस्ट आपको ये वाला प्रॉम्प्ट लिखना है, और ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ी सी चेंजिंग और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने कर दी है थोड़ी सी चेंजिंग, उसके बाद मैं सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। जो पहले वाली इमेज थी वो बहुत ही कमाल की थी, अब देखते हैं कैसी इमेज आती हैं।